कवर करने वाले हैं मेथड्स इन बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जून 2017 में आया था। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे टेक्निक पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट टर्म इलेक्ट्रोफोरेटिक शिफ्ट ऐसे टेक्निक क्या होती है ये पढ़ते हैं, देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, जिसे हम यमजा भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे क्या है, क्या प्रिंसिपल है इसका? अब तक हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग पढ़ी। उसमें हमने प्रोटीन का इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा एंड डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा। बट इलेक्ट्रोफोरेसिस मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे में हम डीएनए एंड प्रोटीन दोनों का साथ में इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं। हमें लेबोरेटरी में फाइंड करना है कि हमारे पास जो डीएनए फ्रेगमेंट है, उस डीएनए फ्रेगमेंट पर हमारी प्रोटीन एक्स, उसकी बाइंडिंग साइट है या नहीं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए डीएनए पे किसी भी प्रोटीन की बाइंडिंग साइट। हमें पता लगाना है कि ये प्रोटीन डीएनए पे बाइंड होती है, न्यूक्लिक एसिड पे बाइंड होती है, उसके पास बाइंडिंग साइट है या नहीं। उसके लिए हम इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे करते हैं। एंड इस केस में हम डीएनए को रेडियो लेबल करते हैं। रेडियो लेबल कैसे भी कर सकते हैं, आइसोटोप के थ्रू कर सकते हैं रेडियो लेबल्ड, या हम उसमें रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हैं, या हम उसमें फॉस्फेट 32, सल्फेट 35, इन सबको ऐड कर सकते हैं। हमने अपना डीएनए, जिसके रिगार्डिंग हमें पता लगाना है कि इसमें किसी प्रोटीन की, एक्स प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है या नहीं, तो हम अपना डीएनए रेडियो लेबल करते हैं। ओके, देन हम टू कंडीशन लेते हैं। हमने टू कंडीशन लिया। फर्स्ट कंडीशन में डीएनए पे एक्स की बाइंडिंग साइट नहीं थी। तो हमारा एक्स प्रोटीन जाके डीएनए से बाइंड नहीं होगी। और जब जेल रन होगा तो डीएनए मूव करेगा। और बाद में जब हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे, क्योंकि रेडियो लेबल्ड है डीएनए, तो ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो हमें डीएनए की पोजिशन क्या है जेल पे वो पता लग जाएगी। सेकेंड केस लिया हमने, डीएनए जो है उस पर बाइंडिंग साइट है एक्स प्रोटीन की। डीएनए पे एक्स प्रोटीन की बाइंडिंग साइट है, मींस एक्स प्रोटीन जाती है और डीएनए पे बाइंड हो जाती है। तो इफ हमने कोई सॉल्यूशन लिया, उसमें हमारा डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, और वो सॉल्यूशन रन हुआ तो प्रोटीन जो है वो बाइंड हो चुकी है डीएनए पे, तो डीएनए का जो मॉलिकुलर वेट है वो इंक्रीज हो गया। और अभी आपको इससे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि जैसे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, तो हमारा जो रन होता है वो स्लो रन होता है। जो भी कंपाउंड है, इफ डीएनए ही है, उसका मॉलिकुलर वेट इंक्रीज हो गया प्रोटीन की वजह से, तो वो स्लो रन होगा। तो अब जो उसका बैंड है वो हमारा, उसका बैंड थोड़ा पीछे आएगा, वो ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा, इतना रन नहीं हो पाएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि उस डीएनए पे प्रोटीन बाइंडिंग साइट है या नहीं। तो हम पहले सिर्फ रेडियो लेबल डीएनए को रन करते हैं, देन उसके साथ प्रोटीन को रन करते हैं। इफ दोनों का बैंड सेम आता है तो बाइंडिंग साइट नहीं है। इफ बैंड डिफरेंट आता है, प्रोटीन के साथ वाला जो हमने सैंपल रन किया था उसका बैंड थोड़ा पीछे आता है, मॉलिकुलर वेट ज्यादा होने की वजह से उसका बैंड पीछे आया, इट मींस हमारी प्रोटीन जाके बाइंड हो चुकी है, हमारी एक्स प्रोटीन जाके बाइंड हो चुकी है डीएनए पे। ओके, ये तो हमारा हुआ एक डीएनए के लिए और एक प्रोटीन के लिए। इसमें हम टू प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, हमने कोई डीएनए, एक सैंपल लिया जिसमें सिर्फ डीएनए है, उसका बैंड आया। एक सैंपल लिया जिसमें डीएनए प्लस एक्स प्रोटीन है, उसका बैंड आया। एक सैंपल लिया डीएनए प्लस वाई प्रोटीन है, एक सैंपल लिया डीएनए प्लस एक्स वाई प्रोटीन है, तो एक्स वाई दोनों की बाइंडिंग साइट होगी, तो जो फोर्थ सैंपल है जिसमें डीएनए प्लस एक्स वाई प्रोटीन है, उसका बैंड और पीछे आएगा। वाई का बैंड पीछे आएगा वाई के प्रोटीन के मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग। एक्स डीएनए प्लस एक्स प्रोटीन का बैंड पीछे आएगा एक्स प्रोटीन के मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग, और जो हमारा डीएनए है, सिंगल डीएनए, उसका बैंड आगे आएगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोटीन बाइंड होती है डीएनए से, और हमारी जैसे जैसे ज्यादा मॉलिकुलर वेट की प्रोटीन बाइंड होगी, उतना ही हमारा पीछे डीएनए का जो बैंड है वो पीछे होता चला जाएगा। उससे हम फाइंड कर सकते हैं कि प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट क्या है। तो यहाँ पे हमने दो टास्क है हमारे, हम प्रोटीन का मॉलिकुलर वेट भी फाइंड कर सकते हैं और डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं कि डीएनए हमारा प्रोटीन से इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस टेक्निक का डिसएडवांटेज ये है कि हम ये फाइंड नहीं कर सकते कि हमारी प्रोटीन कौन सी पोजिशन पे बाइंड हो रही है डीएनए से। ओके,
सो ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट असे के रिगार्डिंग पूछा है। आर रिसर्च वॉज वर्किंग विद 3 प्रोटीन्स ए बी सी विच मे हैव पोटेंशियल रोल्स इन जीन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू वैलिडेट द हाइपोथेसिस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट असे was performed. The purified protein were allowed to bind with radio-labeled DNA and the result obtained after autoradiography are shown below. हमें 3 proteins given है A, B and C, okay? और हमने different different bands को run किया है, different different samples को run किया है, और हमारे bands आए हैं, उनके regarding हमें इन चारों statement में से क्या correct है वो बताना है। If हम first lane देखें, तो first lane में हमारा ना A protein है, ना B protein है, ना C protein. डीएनए बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट है तो डीएनए का बैंड बिल्कुल एंड में आया। बट हम सेकंड लेन देखें, सेकंड लेन में हमारी बी प्रोटीन है। जब भी डीएनए का बैंड एंड में आया और बैंड नहीं आए बीच में, तो मींस बी की तो बाइंडिंग साइट है नहीं डीएनए पे। इट मींस बी की तो बाइंडिंग साइट नहीं है डीएनए पे, ओके। इफ हम थर्ड लेन देखें, तो थर्ड लेन में हमने सी प्रोटीन यूज करी, स्टिल बैंड नहीं आया बीच में, एंड में ही बैंड आया। इट मींस हमारा सी की भी बाइंडिंग साइट नहीं है डीएनए पे, सी की भी बाइंडिंग साइट नहीं है डीएनए पे। इफ हम फोर्थ लेन देखें, तो इसमें सिर्फ ए प्रोटीन प्रेजेंट थी, बी और सी नहीं थी, और हमारा एक पीछे बैंड भी आया, एक हमारा स्लो रन हुआ जिसकी वजह से हमारा एक पहले बैंड भी आया। तो इट मींस हमारा ए जो है उसकी बाइंडिंग साइट है, ए की बाइंडिंग साइट है, ओके। देन हम देखते हैं फिफ्थ लेन देखते हैं, फिफ्थ लेन में हमारा ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट नहीं है। इट मींस अब हमारा जो ए है उसका बैंड आया ये वाला, जब ए बाइंड हुई डीएनए पे, और जब हमारी बी ए बाइंड हुई डीएनए पे तो ये वाला बैंड आया, और जब हमारी बी बाइंड हुई डीएनए पे ये वाला बैंड आया, ओके। क्योंकि हमारा जो एक बैंड है वो सिमिलर है फोर्थ लेन से, ए वाले से। तो इट मींस अब बी बाइंड हो गया डीएनए पे, पहले नहीं हो रहा था, ए के आने पर बी बाइंड हो गया डीएनए पे, ओके। फिर हम देखते हैं हमारी सिक्स्थ लेन, सिक्स्थ लेन में देखें तो बी और सी दोनों है बट कोई बाइंड नहीं हुआ। देन हम सेवंथ लेन देखें, तो हमारा इसमें ए प्रेजेंट है और सी प्रेजेंट है, बट स्टिल हमारा सिर्फ ए का बैंड आया, सिर्फ ए का बैंड आया, सी का कोई बैंड नहीं आया। इट मींस बी और सी तो बाइंड नहीं होते, बी और सी की तो बाइंडिंग साइट नहीं है, सिर्फ ए की बाइंडिंग साइट है, ओके। और बी बाइंड होता है, कब बाइंड होता है, जब ए प्रेजेंट होता है, बी बाइंड होता है जब ए प्रेजेंट होता है। तो माइंड भी ऐसा हो सकता है कि ए बी प्रोटीन को एक्टिव करती हो, उसके बाद बी जाके बाइंड होता हो, या ए उसको स्टिमुलस करती हो, उसको स्टिमुलेट करती हो कि बी बाइंड हो जाए डीएनए पे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हम ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है प्रोटीन ए पसेसेस द डीएनए बाइंडिंग मोटिव, या प्रोटीन ए के पास डीएनए बाइंडिंग मोटिव है, फर्स्ट तो सही है। बी है हमारा, सेकेंड है हमारा प्रोटीन बी है डीएनए बाइंडिंग मोटिफ नहीं, ये इनकरेक्ट है। थर्ड है हमारा प्रोटीन बी बाइंड टू द डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन बी जो है वो बाइंड होती है डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स पे, यस ये पॉसिबल हो सकता है। इट मींस हमारा बी जो है वो बाइंड नहीं होता था डीएनए से, बट जैसे ही हमारा डीएनए जो है उससे ए प्रोटीन बाइंड हुई, तो हमारा बी भी आया और उससे बाइंड हो गया। जब ही तो हमारा एक बैंड पीछे भी आया, मतलब डीएनए पे कुछ ए प्रोटीन्स बाइंड है, उनके लिए हमारा मतलब डीएनए पे हमारी कुछ ए प्रोटीन बाइंड है, उनके लिए ये वाला बैंड आया, और जिन डीएनए पे ए और बी प्रोटीन दोनों बाइंड है उनके लिए हमारा ये बैंड आया, क्योंकि जैसे दो प्रोटीन बाइंड हुई बैंड और पीछे हो गया। तो ऐसा हो सकता है कि प्रोटीन बी जो है उसके पास बाइंडिंग साइट है डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स के लिए, तो ये हमारा करेक्ट है। मींस प्रोटीन बी अकेली बाइंड नहीं हो सकती डीएनए पे, बट वो डीएनए ए कॉम्प्लेक्स पे, डीएनए ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स पे बाइंड हो सकती है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा प्रोटीन सी बाइंड टू द डीएनए ओनली व्हेन प्रोटीन ए इज बाउंड, प्रोटीन सी जब भी बाइंड होगी जब प्रोटीन ए बाइंड होगी, नहीं प्रोटीन सी तो कभी बाइंड ही नहीं होती है, तो हमारा ये भी इनकरेक्ट है। हमारा फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है और हमारा आंसर है बी, तो हमारा आंसर आता है बी। तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हमें सिर्फ बैंड्स देखने हैं, और जिस हिसाब से बैंड्स पीछे होते जा रहे हैं, स्लो होते जा रहे हैं जेल में, उसके अकॉर्डिंग हमें पता लगाना है कि हमारा जो बाइंडिंग साइट है किस प्रोटीन की है, और कौन सी प्रोटीन किसी दूसरी प्रोटीन के आने पर बाइंड हो रही है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे ऑलवेज यूज होता है प्रोटीन्स और डीएनए का इंट्रेक्शन देखने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। सो आपको इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।